बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लूली राव देखना शुरू कर चुका हूं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक सोशल मीडिया पर अफवाह बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी के समर्थक और चंद्रशेखर को पसंद करने वाले लोग एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वायरल कर रहे हैं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत मिल गई और जल्द ही चंद्रशेखर आजाद तमाम लोगों के बीच में होंगे। आपको बता दें कि ये पोस्ट आपने भी देखी होगी और आपको बता दें कि इन पोस्ट पर लाइक भी लाखों के अंदर, हजारों के अंदर आ रहे हैं। मैंने बहुत सारी पोस्टें देखी है जिनपे हजारों के अंदर लाइक्स आ रखे हैं और इस तरीके की फेक जो फेसबुक पर, ट्विटर पर और कहीं जगहों पर अफवाहें फैली हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरी तरीके से निराधार है। चंद्रशेखर आजाद को जिन मामलों के अंदर जमानत मिली है वो गाजियाबाद के दो पुराने मामले थे जिसमें एक पत्रकार को पीटने, साथ ही एक पुलिस को धमकाने के मामले की उनको जमानत मिली है। जबकि जिस मामले के अंदर वो दिल्ली के अंदर वर्तमान में बंद है, यानी कि तिहाड़ जेल में, जिस जुर्म की वो सजा काट रहे हैं, एनआरसी और सीए के खिलाफ विरोध बिल करने के मामले में सजा काट रहे हैं, उसमें अभी उनको जमानत नहीं मिली है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद को अभी जमानत नहीं मिली है, उनका जेल से बाहर आने का अभी कोई रास्ता साफ नहीं हुआ है। जब तक उन्हें एनआरसी और सीए जैसे बिलों के अंदर जो विरोध के दौरान उनको गिरफ्तार किया था उस मामले में जमानत नहीं मिलती, तब तक चंद्रशेखर बाहर नहीं आ सकते। दरअसल आपको बता दें कि कल परसों चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली पुलिस गाजियाबाद लेकर आई थी क्योंकि गाजियाबाद में चंद्रशेखर आजाद पर दो अन्य मामले चल रहे थे जिसमें एक उनके समर्थकों के द्वारा एक पत्रकार को पीटने और एक अन्य मामले में उनके पुलिस वाले को धमकाने, डराने के मामले के अंदर उन पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर रखे थे। उन मुकदमों का कल कोर्ट में सुनवाई थी और उस दौरान चंद्रशेखर आजाद को वहां पर पेश किया गया था, जिसके बाद उन दोनों मामलों के अंदर उनको जमानत मिल गई है। लेकिन वर्तमान में तिहाड़ जेल के अंदर चंद्रशेखर आजाद को एनआरसी और सीए का विरोध करने के मामले में 21 दिसंबर की देर रात जामा मस्जिद के बाहर गिरफ्तार किया था। उस मामले में अभी चंद्रशेखर आजाद को जमानत नहीं मिली है, यानी कि जमानत की जितनी भी अफवाह फैल रही है वो पूरी तरीके से झूठ भी नहीं कही जा सकती और सच भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिन मामलों में मिली है वो पुराने मामले हैं और जिस मामले में उनको जेल में बंद कर रखा है वो अभी विचाराधीन है, उसमें अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। तब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए। और आपको बता दें कि इस मामले में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेट होगी, तब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।